और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, झांसी पहुंच चुका है माफिया अतीक का काफिला। उमेश पाल हत्याकांड में आज माफिया अतीक की पेशी होने जा रही है। अतीक उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। अतीक के भाई अशरफ को प्रयागराज ले जाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली से प्रयागराज काफिला रवाना होगा। हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस बीच अतीक अहमद की तरफ से ये कहा गया है, माफियागिरी पहले ही खत्म हो गई है, अब तो रगड़ा भी जा रहा है। मैं तो जेल में था, उमेश मर्डर को लेकर मैं कुछ नहीं जानता, माफिया अतीक अहमद की तरफ से ये कहे जा रहे हैं। दरअसल प्रयागराज एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद को लाया जा रहा है। 16 दिनों के अंदर दूसरी बार ये लाया जा रहा है। 2019 से ही जो माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है, उसे एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। झांसी पहुंच चुका है ये काफिला और कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द प्रयागराज पहुंच जाएगा। कोर्ट में पेशी होनी है, तमाम सवाल पूछे जाएंगे, उसके जवाब आज अतीक अहमद को देने होंगे। तो उमेश पाल हत्याकांड में आज माफिया अतीक अहमद की पेशी होने जा रही है। इस पूरे साजिश का मुख्य आरोपी अतीक अहमद है। अतीक अहमद का पूरा परिवार पुलिस के शिकंजे पर है। भाई की कोर्ट में पेशी होनी है, तमाम सवाल भाई अशरफ से पूछे जाने हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन जो इस पूरे मामले में बताया जा रहा है साजिश रचने वाली है, अभी तक फरार चल रही है। 50,000 का इनाम उस पर घोषित किया गया है। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। काफिला झांसी पहुंच चुका है। बीते दिन यहां से प्रयागराज से एक टीम जो कि वहां पहुंचती है अहमदाबाद साबरमती जेल से, वहां से अतीक अहमद को यहां लाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, जानकारी दीजिएगा कि काफिला झांसी तो पहुंच चुका है, कब तक प्रयागराज पहुंच जाने की संभावना, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, माफिया अतीक अहमद को आज सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक अतीक अहमद को लेकर जो पुलिस टीम आ रही है वो काफिला झांसी पहुंच चुका है और झांसी से प्रयागराज पहुंचने में तकरीबन 7 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अतीक अहमद को दोपहर 3 बजे के करीब प्रयागराज लाया जाएगा। हालांकि आज उसकी पेशी होनी थी, लेकिन अब चूंकि देरी हो रही है, ऐसे में आज उसकी पेशी होगी या नहीं इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस वक्त हम प्रयागराज में सेशन कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। चूंकि कचहरी जो है वो 10 बजे से खुलती है, लिहाजा जो सुरक्षा इंतजाम है वो 10 बजे से पहले ही जो सुरक्षा कर्मी है 9 बजे ही आते हैं। यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आज अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना बेहद कम है। बहुत मुमकिन है कि आज साबरमती जेल से अतीक अहमद को यहां लाया जाएगा और लाए जाने के बाद उसे नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा और नैनी सेंट्रल जेल में रखे जाने के बाद कल पेशी कराई जाएगी। कल सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सुबह पेशी होगी। तो आज अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा या नहीं इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस के बाहर किसी तरीके की हलचल नहीं दिख रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर आज अब पेशी कराए जाने की जो संभावना है वो बेहद कम होती जा रही है। बेहद कम उम्मीद है कि आज अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बहुत मुमकिन है कि कल सीजेएम कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। पहले उसका जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनवाया जाएगा, उमेश पाल मर्डर केस में कस्टडी रिमांड बनेगा। उसके बाद जो पुलिस है वो अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में मांगेगी, 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। अब ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो अतीक अहमद की कितने दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर करती है। तो प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी, उमेश पाल शूटआउट केस के राज जानने की कोशिश करेगी, ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार हत्या का मोटिव क्या था, हत्या क्यों कराई गई, अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन कहाँ है, 5 लाख रुपए का इनामी बेटा असद कहाँ है, परिवार के जो दूसरे सदस्य फरार है जिन्हें पुलिस की जांच और यही सवाल क्योंकि अशरफ से भी पूछे जाने हैं। मोइन, ये भी जानकारी दीजिएगा कि अशरफ को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि हर बार देखा जा रहा है अशरफ की जो पेशी हो रही है वो भी टल जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट अशरफ की पेशी भी होनी है? जी बिल्कुल, देखिए उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के साथ ही उसका छोटा भाई जो कि बरेली जेल में बंद है खालिद अजीम उर्फ अशरफ, वो भी नामजद आरोपी है। आरोप ये है कि अशरफ ने बरेली जेल में रहते हुए साजिश रची थी, लेकिन अशरफ को भी इस मामले में लाया जाना है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी 2 बार प्रयागराज पुलिस की टीम वो बरेली जेल गई थी, लेकिन अशरफ को लाया नहीं जा सका था। तो आज एक टीम फिर पहुंची हुई है बरेली जेल, अशरफ को लाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन
अभी तक जो टीम है वो बरेली जेल से रवाना नहीं हुई है। ऐसे में अशरफ को आज लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि अतीक के साथ ही अशरफ की पेशी कराई जाएगी या पहले अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद अशरफ की पेशी होगी। तो लगातार सस्पेंस बना हुआ है अशरफ बिल्कुल, और आज दोनों से ही अगर पेशी होती है तो पूछताछ की जाएगी। आप बने रहिए मेरे साथ मोहित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।